जो आप लोग यहाँ आज आया है, जिन जिन को जबरदस्ती यहाँ में लेके आया, जिन जिन को जबरदस्ती लेके आया, आप लोग का हाथ उठा के देखिए तो ना, दो तीन तो है तो जबरदस्ती लाया हुआ। मेरा धर्म क्रिश्चियन है, मैं 1979 से मैं क्रिश्चियन हूँ, तो मेरा क्रिश्चियन का बाइबल आया क्या? जितने क्रिश्चियन थोड़ा हाथ उठा के देखिए तो बहुत है, मैं एक तो चिल्लाऊं प्रेज द लॉर्ड। उसमें उस एशिया का मीटिंग में तीन चार पॉइंट का लगा ये बातें हुआ है। एक पॉइंट है तवांग चर्च। तवांग में चर्च क्यों बनने दे रहे हैं? मैं मेरा क्रिश्चियन भाई और बहनों आप लोगों में रिक्वेस्ट करता हूं जी। सर सबसे पहले तो आज आप सर 32 एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में आए हैं, लेकिन सर जैसे आपका आज भाषण सुना है सर, यू आर वेल अवेयर ऑफ द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज यहाँ के स्पेशली, तो आज सर यहाँ पे काइंग में नहीं आके सर आप रुंगोंग में आते तो सर आपको असली आपका चेहरा दिखाई मिलता हमारे एरिया का। तो सर आज जैसे आपने वादा किया है कि आने वाले जो समय है उसमें सर आप खुद से सर मॉनिटर करेंगे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को लेके, तो सर गया जो गया हुआ 5 साल है हमारे सर तबो सर यहीं पे सर उनके नेतृत्व में भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो सकते थे, बट स्टिल सर काइंग इशू नहीं है। यहाँ पे आप जो रोड के बारे में बात कर रहे हो दिस इज़ द स्टेट हाईवे सर, लेकिन आप जब आप सीधा आप पतुम के एरिया हिरित बांगो हेम बांगो में आप जाओगे जब, तब आपको देखने को मिलेगा कि हाउ बेडली द मतलब कंडीशन ऑफ द रोड इज़। एंड देन आप जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे ब्रिजेस बना रहे देरे बना रहे, जब आपको वहाँ पे आप यहाँ पे हम लोगों का जो टीचर क्वार्टर बनाना चाहिए था स्कूल डिफंक हो रहा है, यहाँ पे CHC को इम्प्रूव करना चाहिए था, यहाँ पे अभी माता दर्द होने से उससे ज़्यादा बीमार होने से रेफर कर देता है आलो में, तो ये सब चीज़ को लेकर सर आप मतलब आने वाले में समय में आप सर आपका हमारा जो यहाँ का MLA रहेगा उसको भी सर आप किस तरीके से एडवाइस करना चाहेंगे? आज यहाँ मैं रुमगोंग में मैं यहाँ रुमगोंग कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ काइंग में आया हूँ, तो अपनी पॉलिटिकल का ये इलेक्शन का माहौल है उसको चलते हुए, तो वैसे ये अपना रुमगोंग एरिया जो है अपना आदि एरिया में थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट टेरेन हम लोग का मानते हैं, और इस एरिया में बहुत सारा ऐसे गाँव भी है खास करके पायुम सर्कल में, तो उस गांव में अभी तक रोड भी पहुंच नहीं पाया है, तो हम लोग ने अभी BJP का अपने पार्टी ने हम लोग ने तय कर लिया है कि ये आने वाला जो 5 सालों में पायुम सर्कल में हम लोग वहाँ पे ब्रिज बनाते हुए उसको कनेक्शन देके, और जहाँ जहाँ गांव में अभी रोड नहीं है उसको भी आने वाला 5 सालों में हम लोग रोड्स भी बनाएंगे। और इस बार मैं अपनी ओर से प्लानिंग डिपार्टमेंट में एक मेजर हम एक रिफॉर्म लेके आना चाहता है। पहले का जो प्लानिंग अप्रोच था कि टॉप डाउन अप्रोच, इस बार हम चाहते हैं कि डाउन टुवर्ड्स टॉप बॉटम टू टॉप प्लानिंग का अप्रोच रखते हुए, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी या हर एक डिस्ट्रिक्ट अपने आप में ही बड़ा एक यूनिक है, उसका चैलेंजेस अपना अलग होता है। तो यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल आपका अपना रुमगोंग कॉन्स्टिट्यूंसी का यहाँ का चैलेंज, यहाँ का चैलेंज जो है यहाँ का लीडर्स और यहाँ का ऑफिसर्स को पता है, ईटानगर में बैठ के डायरेक्टरेट में और या सेक्रेटरीट में बैठ के हम लोग वहाँ में ज़्यादा प्लानिंग करेगा तो उतना सुइटेबल हो नहीं पाता है, इसलिए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स भी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे स्कूल्स भी कंडीशन ख़राब हो सकता है, मेडिकल्स में भी जैसे कहा कि उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो सकता है, तो आने वाला दिनों में जो बॉटम टू टॉप प्लानिंग करेंगे तो इन सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो गैप्स है उसको एड्रेस करते हुए अभी एक नया प्लानिंग प्रोसेस के साथ में अरुणाचल को आगे लेके जाएंगे। और सर जैसे आपने आज कहा है जैसे अगर नॉर्मल MLA बनता है तो दैट इज़ 15 करोड़, और अगर आप अगर रूलिंग में रह के अगर MLA बनता है तो दैट इज़ 1000 करोड़, तो जैसे आप अभी जानते हैं कि हमारा जो अभी का जो प्रेजेंट MLA है वो भी BJP से ही थे, और लास्ट टाइम जब यहाँ पे गोई सर के जब प्रोग्राम में श्री भीमराव वागे जी जो कि स्टेट प्रेसिडेंट भी थे BJP के हैं, तो वो कहे थे कि मतलब फंड तो सबको सेम दिया जाता है, अगर डेवलपमेंटल नहीं हो रहा है तो वो लीडर की कमी गति है, तो सर इसको आप कैसे मेकअप करना चाहोगे? यहाँ पे अपना तेलंगतबो जी के जो टेन्योर में इस बार क्योंकि कोविड के कारण से 2 साल तो उसमें ही निकल गया, ये एक फैक्ट बात है, इसका बावजूद भी यहाँ पे रुमगोंग कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं बहुत सारा काम हुआ है, काम नहीं हुआ बोल के नहीं, बहुत अच्छा अच्छा काम हुआ है, तो इस काम को और भी कंटिन्यू करने के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगतबो जी जो सिटिंग MLA है उनको यहाँ पे टिकट दिया गया है, और इस बार का जैसे मैंने कहा कि प्लानिंग में बड़ा एक रिफॉर्म होगा, उस रिफॉर्मेशन का साथ साथ अभी पूरा 60 कॉन्स्टिट्यूंसी का डेवलपमेंट अभी अच्छा होंगे अभी।
और सर अगर इस बार अगर तालम तबो जी जीत कर विजय होकर आते हैं तो क्या उसे हम एक स्टेट में कैबिनेट पोस्ट होल्ड करते हुए देख पाएंगे? इसका अभी हम कुछ कमेंट्स कर नहीं पाएंगे क्योंकि सरकार एमएलए का काउंटिंग होने का बाद ही पार्टी इसमें पूरा विचार किया जाएगा। इसके बाद सर ऐसे एज ए चीफ मिनिस्टर आपको सर एक जनरल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो सियांग डिस्ट्रिक्ट है और अभी जो रिसेंटली क्रिएटेड सीओमी डिस्ट्रिक्ट है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में बोलने से सर आपने बहुत ही जोरदारी से इनिशिएटिव लिया है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। तो सर मेरा सवाल ये रहेगा कि इनको लेके बहुत एंटी डैम भी निकला है यहाँ पे, तो आप इसको इस चीज़ को छोड़कर मतलब आप जो विंड एनर्जी है सोलर एनर्जी पे आप क्यों ध्यान नहीं देते सर? देखिए अपना अरुणाचल प्रदेश का जो रिसोर्सेज है वो हाइड्रो पावर सेक्टर में काफ़ी अच्छा रिसोर्स है, यहाँ का पानी बहुत अच्छा है। तो ये बोलते हुए मगर मैं हमेशा पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोला हूँ, डेवलपमेंट चाहे कुछ भी हो, नॉट ओनली हाइड्रो पावर, चाहे रोड भी हो, चाहे बिल्डिंग या जो भी प्रोजेक्ट्स हो गवर्नमेंट का, अगर पब्लिक उसको क्लियर करके नहीं देता है, पब्लिक का अगर सहमति नहीं है तो उसको हम लोग नहीं बनाएंगे। हाइड्रो पावर का भी मैंने बार बार वही कहा है कि जहाँ जहाँ पब्लिक का एक्सेप्टेबिलिटी है वहीं हम हाइड्रो पावर बनाएंगे। अभी रिसेंटली मैं यहाँ में तातो में जाके निपको का जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का कंपनसेशन भी वहाँ पर दे गया है, वहाँ के लोग चाहते हैं कि उस डिस्ट्रिक्ट में शिओमी में हाइड्रो पावर बने तो वहाँ बनेगा। अगर सियांग बेल्ट में लोग अगर नहीं चाहता है कि हाइड्रो पावर ना बने तो नहीं बनेगा, सिंपल से बात है। थैंक यू। देखिए ये मैं आप लोगों को क्लियर कर बताना चाहता हूँ कि जहां जहां मैंने देखा, जहां जहां मैं जाके आवाज सुना, मैं भी कहीं कहीं जगह में कंफ्यूज हो गया क्योंकि हमारा बीजेपी वाला भी पेमा खांडू जिंदाबाद बोल रहा है और बीजेपी के एगेंस्ट में जो कॉन्टेस्ट कर वो भी पेमा खांडू जिंदाबाद बोल रहे हैं। तो सारा वेस्टर्न में तवंग कई कई जगह में तो ये भी देखा है कि ओपोजिशन कैंडिडेट ने हमारे चीफ मिनिस्टर का पोतों को भी एक साथ लगा के बत रहा है। ये सारा कंफ्यूजन करके रख दिया, लेकिन हकीकत ये है कि सारा अरुणाचल का जनता का दिल को ये जितने जो उम्मीदवार है 140 समथिंग उम्मीदवार अक्रॉस अरुणाचल, सारा अरुणाचल में ये ऑलरेडी निर्णय ले चुका है, तय कर चुका है कि 24 से लेके 29 तक हमारा अरुणाचल को आगे विकसित में ले विकसित अरुणाचल ले जाने के लिए पेमा खांडू को ऑलरेडी तय कर चुका है सारा अरुणाचल का जनता, ये क्लियर है। और हमारा वेस्टर्न में जहां में अभी ड्यूटी है अक्रॉस अरुणाचल में 10 है, जिस जगह में हमको ड्यूटी दिया गया वहां में 7 कैंडिडेट लोग हमारा बीजेपी का कैंडिडेट लोग जो है अनकॉन्टेस्ट भी आ चुका है। और अभी मेरा ड्यूटी बन गया करीब 26, सिर्फ 26 लोगों फिर ये आपका 19 ये अप्रैल में इन लोगों को जिताना है, उसमें आपका ये आपका ये तलम तबो जी एक है। तो जब सारा जनता अरुणाचल का जनता तवंग से लेके लोंगडिंग तक ये निर्णय ले चुका है कि हम अरुणाचल आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेंगे और उस आगे को बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू को दे चुका है। तो आप रुमकुम वाले लोग क्या कर रहा है मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ। तारती अभी देखो ये एक सिर्फ हमने देखो एक चीज तो तय हो गया कि हम लोग आजकल मैक्सिमम जो है कि सरकार कौन बनाएगा, सरकार आने वाला दिन में ये जून 2 तारीख को सरकार कौन बनने जा रहा है उसका तो हम लोग कैंपेन चलना बंद हो गया। अभी सिर्फ ये हम लोग पता लगाने आया कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा भाजपा का जो कैंडिडेट है वहां का कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग अपना आपको आने वाला 5 साल में रूलिंग में रहना चाहेगा ना ऑपोजिशन में रहना चाहेगा, क्योंकि आप लोगों में बताना चाहता हूं गलती से अगर आप लोग तालम तबो जी को हरा दिया फिर भी पेमा खांडू सरकार तो बनने जा रहा है, फिर भी पेमा खांडू सरकार बनने जा रहा है। अब आप लोगों को निर्णय लेना है कि रुमकुंग ये जो तालम तबो का बात नहीं है, इंतियार 28 रुमकुंग का बात है। तो आप लोग ये रूलिंग में रहना चाहता है ना ऑपोजिशन में रहना चाहता है? रूलिंग में रहना चाहता है तो रूलिंग में रहना चाहता है तो आप लोग जो है तालम तबो को तो जीत के बेचना पड़ेगा।
और सबसे मैं आपको और एक तो रिपोर्ट आप लोग देने भूल गया, तवांग से लेके रोंगोंग तक में हम सीएम साहब के पीछे पीछे में आया, सबसे लंबा पोनो प्रति मिला तो हम आज गायंग में मिला है आप लोग सबसे लंबा। और सीएम साहब से इतना जल्दी चलता है कि मैं तो दौड़ना पड़ गया, दौड़ते दौड़ते जब तक यहाँ आई हुई थे पहुंचे मैं तो सांस से फूल के बैठ गया, इतने लोग का प्यार है। इसलिए मैं तो थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि जो आज आया है सर, मेरा तो हमेशा क्वेश्चन तो करना पड़ेगा, जो आप लोग यहाँ आज आया है, जिन जिन को जबरदस्ती यहाँ में लेके आया, जिन जिन को जबरदस्ती लेके आया, आप लोग का हाथ उठा के देखिए तो है ना, दो तीन तो है तो जबरदस्ती लाया हुआ, दो तीन तो है जबरदस्ती लाया हुआ, ज्यादा नहीं, दो दो जैसा दिखाई दिया। और जिन जिन लोगों को आज का हाजिरा देके, दिल से नहीं आके हाजिरा देके, जिन जिन लोगों को यहाँ में हाजिरा देके भेजा गया आया, उसका हाथ उठा के देखे, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। जिन जिन लोग तार्तितु रोंगोंग को प्यार है, तार्तितु रोंगोंग आगे बढ़ना है, तार्तितु रोंगोंग विकसित होना है, तार्तितु रोंगोंग का भविष्य सही होना है, वो सोचने वाला जितने लोग हैं आप लोग हाथ उठा के देखिए तो। और कुछ लोग है नहीं उतर रहे यहाँ में, कुछ लोग है पक्का आप लोग सीख ले आए, दिल से आया, दिल से आया ना। अगर ये लोग जाबी जितना हाथ उठाया, ये लोग अगर सही से दिल से उतर रहे तो मैं तो एक कैंपेन चेयरमैन के हिसाब से मैं 19 अप्रैल को नहीं रुके, मैं अभी ही तालेम तबो जी को बधाई हो, तालेम तबो जी आप बधाई हो, तो इसमें कोई दोहरा नहीं पड़ता है। तो तालेम तबो जी को तो आप लोग तो जिता के भेज दिया ऑलरेडी, अब आप लोग को भेजना तालेम तबो जी को एक शक्तिशाली एमएलए बनके भेजेंगे, या एक एक जो है ताकत नहीं होने वाला, जिसका जिसका हिम्मत नहीं होने वाला, किस टाइप का आप लोग एमएलए भेजेंगे वो भी आप लोग निर्णय करना है, क्योंकि तालेम तबो जी को आप एक बोर्ड से जिताओ फिर भी वो आपका एमएलए बनेगा, या हजार बोर्ड से जीता फिर भी वो अपना एमएलए बनेगा, और हमारा पेमा जी का ये लीडरशिप में वो टीम मेंबर बनेगा। लेकिन सवाल यहाँ आता है कि तालेम तबो जी रोंगोंग से एक शक्तिशाली ताकतवर एमएलए बनकर इटानगर पहुंचने के लिए आप लोग जो है तालेम तबो अगर 8000 वोट मिलता है तो आपका एमपी जो नरेंद्र मोदी जी को हम लोग धन्यवाद देने का सिर्फ एक ही जरिया है, मोदी जी को धन्यवाद देने का, जो हम लोग आज विकसित अरुणाचल बनाने में कसम खा के रखा है, मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए आप लोग तो पहुंचना बहुत दूर की बात है, मैं भी पहुंच नहीं पाया उसको थैंक्स देने के लिए, उनको थैंक्स देने का सिर्फ एक ही है कि उनका भेजा हुआ जो एमपी कैंडिडेट है इनको हम लोग जो है सारा का सारा आपका 32 रंगों में 12600 वोट है, सारा का सारा वोट को ये हम लोग जो किरण रिजिजू को दे के मोदी जी को धन्यवाद हम लोग देना चाहिए, आप लोग देंगे नहीं देंगे, सारा का सारा वोट जो है किरण रिजिजू में देगा बोलकर आप लोग देगा नहीं देगा, हाथ उठा के बोले देगा नहीं देगा, भारत माता की, भारत माता की, देखो हाथ उठाए आप लोग, हाँ इसलिए मैं भी हाथ उठा के बोल रहा हूं कि जब 4 जून को, देखो 2 जून को तो एमएलए का डिक्लेयर हो जाएगा, आप लोग पूरा जो पूर्ति करने करेंगे, 4 जून को जब हमारा एमपी का रिजल्ट निकलेंगे, आपका यहाँ में 39 पोलिंग स्टेशन है, मैं हर पोलिंग स्टेशन का रिपोर्ट को एज ए कैंपेन चेयरमैन के हिसाब से मैं हर पोलिंग स्टेशन का एमपी का रिजल्ट को मैं लेगा, और वो रिजल्ट को मैं स्टेट हेडक्वार्टर में भी भेजेंगे और दिल्ली हेडक्वार्टर में भेजेंगे, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, और इसका साथ साथ मैं आश्वासन भी देना चाहता हूँ
कि जिस पोलिंग स्टेशन पे हमारा भाजपा जो है पूरे के पूरे गुस्सा है, उसके लिए मैं इलेक्शन के बाद आप लोग का एक रिप्रेजेंटेटिव बन के आप लोग ने इतना काम कर दिया, आप लोग के भी पुरस्कार के लिए मैं लड़ूंगा आने वाला दिन में। सीएम साहब से लड़ूंगा, सबसे लड़ूंगा मैं कि उस पोलिंग स्टेशन में मोदी जी को पूरा का पूरा धन्यवाद दिया है, थैंक्स दिया है, उसी के लिए इन लोग को भी हम लोग वापस काम कर देने बोलकर मैं लड़ूंगा। आप लोग तैयार है ना सौ? तो इसीलिए और मैं और एक चीज देखना चाहता हूँ यहाँ में। मेरा धर्म क्रिश्चियन है। मैं 1979 से मैं क्रिश्चियन हूँ। तो मेरा क्रिश्चियन का भाई बहन को आया क्या कि जितने क्रिश्चियन है हाथ उठा के देखिए, तो बहुत है। मैं एक तो चिल्लाऊं प्रेज द लॉर्ड, हाय हाय हाय, आवाज है, बहुत है, बहुत आवाज है। देखिए मेरा क्रिश्चियन भाई और बहनों, चाहे मैं कोई भी धर्म का, दोनों पोलों का हो या कोई भी धर्म का, धर्म जो है मैं अकेला हूं। धर्म और पॉलिटिक्स के भी एक साथ नहीं जाता है। धर्म पॉलिटिक्स में जो धर्म मिलाता है, पॉलिटिक्स में जो जाति मिलाता है, वो इंसान या वो लोग जो है एक्चुअली वो सही नहीं है। पॉलिटिक्स सिर्फ विकसित के लिए, पॉलिटिक्स सिर्फ डेवलपमेंट के लिए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उस दिन जिस दिन ईटानगर में अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में मैंने भी अटेंड किया। और जब मैं मीटिंग में घुसने के बाद हमको बोलने के लिए बोला, मैंने मेरा क्रिश्चियन जो उधर में जो मीटिंग में जो आया इन लोगों को मैंने बोला कि आज मैं इस मीटिंग को अटेंड करते समय मेरा होम मिनिस्टर का पोस्ट और बीजेपी का जो कैंपेन चेयरमैन पोस्ट को मैं घर में छोड़ के आया हूँ। ये मीटिंग में मैं क्रिश्चियन के हिसाब से बैठ रहा हूँ। वहां में मैंने क्लियरली इन लोगों को कन्वे किया कि हम धर्म का प्लेटफॉर्म को पॉलिटिक्स में कभी यूज नहीं करना है। जब ऐसा बोला तो वहां पे हमारा क्रिश्चियन में एक्चुअली जो लोग नॉन क्रिश्चियन है, आप लोग कोई लोग पता भी होता, कोई लोग पता नहीं होता, हमारा ये क्रिश्चियनिटी में अलग अलग डिनोमिनेशन है, कैथलिक है, बाप्टिस्ट है, रिवाइवल और बहुत है, बहुत प्रकार का है। बाद में देखा गया तो वहां पे ऐसा भी आवाज निकल गया कि हर डिनोमिनेशन का अपना अपना कैंडिडेट है, तालमेल नहीं हुआ। देखिए कैथलिक कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होता है, बाप्टिस्ट कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होता है, रिवाइवल कोई पॉलिटिकल पार्टी होता है, एक धर्म। तो मेरा ये आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि उसमें उस एसीएम के मीटिंग में तीन चार पॉइंट का लगा ये बातें हुआ है। एक पॉइंट है तवांग चर्च। तवांग में चर्च क्यों बनने दे रहे हैं? मैं मेरा क्रिश्चियन भाई और बहनों आप लोगों में रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तवांग का रास्ता बहुत सुंदर हो गया है, वहां से टनल भी है, देखते देखते जाइए तवांग में चर्च है। तवांग में ऑलरेडी तीन चर्च बन के बैठा है जहां में लोग प्रार्थना भी कर रहा है। सिर्फ एक चर्च, एक जगह जहां में एक प्लॉट जो आजकल हला गोला हो रहा है, वो जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है कि ये सरकार का लैंड है और इस लैंड में ना चर्च बनाने दूंगा, ना मंदिर बनाने दूंगा, ना मस्जिद बनाने दूंगा, ना गुम्पा बनाने दूंगा, बस यही एक समस्या है और कुछ नहीं है। तवांग में चर्च बनाने के लिए कोई बल नहीं किया है, कोई हम लोग मुम्पा भाई बहन लोग उधर चर्च बनाने के लिए मना नहीं किया है। अगर आप तवांग का चार्ज को अगर आप प्रमाण करना चाहते हो तो ये स्टेज का इधर में आप चार्ज बनाए कल, क्या डीसी आके नहीं रुकाएंगे, पुलिस आके नहीं रुकाएंगे, पब्लिक आके नहीं रुकाएगा इसको इसमें चार्ज बनाने से? ये सब पब्लिक का है, ये सरकार का जमीन है। तो बस ये एक समस्या है। ये चीज को कभी कभी कोई कोई लोग जो सोशल मीडिया के जरिए से कभी कभी हमको ये मुम्पा भाई से नफरत कराता है, उस तवांग लोगों से नफरत कराता है, गलत चीज है। इसलिए आप जाके देखिए, अभी इलेक्शन समय काम नहीं, कोई कोई समय मिला तो एक दो दिन जाके तवांग जाके देखिए, तीन तीन चार तवांग टाउन का अंदर में और भी बना सकते हैं, लेकिन वो एक। और दूसरा
उस एसीएफ का डिस्कशन में जिंदक रिसन भाई बना पटना चक्कर एक यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए कभी कभी हम बोलता हूँ कि जो काउंटर करते हैं समाज में एक मैसेज देना चाहता है तो थोड़ा पढ़ाई लिखाई करने से सही रहेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत सरकार ने लागू किया जरूर सही है, लेकिन उस लागू में क्या क्या नियम बनाए वो भी पढ़ना जरूरी है। उसको पढ़ने के लिए आपको कहीं दूर जाने के लिए आपका सबका हाथ में पड़ा हुआ है। मोबाइल में खुलो, गूगल में जाओ, यूनिफॉर्म सिविल कोड लिखो, पूरा लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है कोई भी ट्राइबल एरिया में लागू नहीं होगा। तो हमारा अरुणाचल प्रदेश 100% ट्राइबल एरिया, यहाँ यूसीसी नहीं लागू होगा, ये जानना जरूरी है। हाँ, यूसीसी यहाँ नहीं होगा। और एक चीज, हम कृष्ण भाई लोग बोल रहे कि एसटी सर्टिफिकेट खत्म कर देगा, कौन करेगा, कौन खत्म करेगा? मैं जो मेरा माँ का पेट से निकला है तो भी मैं एसटी बन गया, मरण तक एसटी बनेगा और मरने के बाद भी एसटी रहेगा, कौन हटाएगा? ये मेरा फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। हम क्रिश्चियन हैं, कोई नहीं हटा सकेगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं पिछला 5 साल पेमा खांडू जी का सरकार में बैठ के पेमा खांडू जी का लीडरशिप में हम लोग ने 179 कैबिनेट मीटिंग बैठा, और उस कैबिनेट में अरुणाचल को कैसा ले जाना है, समाज को कैसा भलाई करना है उसका निर्णय होता है। लेकिन वहाँ में कभी भी धर्म का आधार पर या एंटी क्रिश्चियन का एजेंडा कभी नहीं आया। आप लोग बताना चाहता हूँ, आया है तो क्रिश्चियन स्कूल लोग अगर बच्चों को पढ़ा रहे तो वहां में फंडिंग करना है, वहां में पैसा देना है, ये चीज आया जरूर है। और उस निर्णय में 179 निर्णय में 1300 से ज्यादा डिसीजन ले चुका है हम सबका भलाई के लिए। मैं तो कभी नहीं देखा है, मैं तो कभी नहीं सुना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक्चुअल अरुणाचल में जो सेक्युलर वर्ल्ड को सही मायने में गवर्नेंस किया है तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पेमा खांडू सरकार ने पिछला 8 साल में यहाँ पे मेन सेकुलर को मेंटेन किया है। मैं आप लोगों को खुले आंख से बता रहा हूं, अब कहीं भी एंगल से वो चैलेंज नहीं कर पाएगा। कौन सा ड्रम को पर्सिक्यूट करता है, कौन सा ड्रम को आगे उठा रहा है, सब अपना अपना बोलता है। इसलिए मेरे क्रिश्चियन के भाई और बहनों, अब ड्रम, अब रिलीजियस आदमी है, पतक से कोई बोल दिया, ये मोबाइल भी कभी कभी बहुत भयंकर है। मन मर्जी ये अंगुली को मत दबाओ, आप लोगों को कभी जानने का कोशिश करो, ये तो हम तो मोबाइल देखने से ये अंगुली का ऐसे करके पड़ता है, पतक से नुकुस ना जाए ना, ऐसे ऐसे करके जो चीज नहीं हो रहा उसको फेंक देता है। तो फाइनली मैं ज्यादा बार तो सीएम सार ही बताएंगे आप लोगों को, बस मैं आप लोगों को रिपोर्ट देना था और ये रिपोर्ट को फिर से हम लोग जून 2 तारीख के बाद और जून 4 तारीख के बाद भी रिपोर्ट को आप लोगों के पास पहुंचाएंगे। तो इसलिए हम लोग आने वाला हम लोग का अरुणाचल का भविष्य पेमा खांडू जी का हाथ में काफी सुरक्षा है और विश्वास है, हम लोग आगे विकसित ले चलेंगे। और पेमा खांडू जी का हाथ को तगड़ा करना है, तार्तिक रंगों को सही करना है, तो हम लोग का ये उम्मीदवार जो तालेम ताबो जी को आप लोग जो है पूर्व बहुमत का साथ में आप लोग ईटानगर भेजिएगा, यही बात आप लोग से उम्मीद करता हूँ। ताली तो सब नहीं बजा रहा है यार, तो तालेम ताबो बोलने से सब बजा रहा है, और तालेम ताबो को पूर्व बहुमत से ईटानगर में आप लोग पेमा खांडू जी का नेतृत्व में भेजना है। ताली बजा के देखिए, ये थोड़ा जबरदस्ती हो गया, बजाओ बोले से बजाता है। तो लास्ट में और एक बार तारती तो रोगों की, क्योंकि हम लोग दूसरा के लिए चिल्लाते ही रहते हैं, खुद कभी अपना के लिए भी चिल्लाना है ना। उस दिन तो दापोरजो में देखा है, एक आदमी ने स्लोगन लगाया, वो अपना नाम को भी चिल्लाने दिया है, खुद चिल्ला लगा। तो हम तो नहीं करेंगे, लेकिन भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।